पोस्ट में नरेंद्र मोदी और वहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा का साझा संपादकीय छपा है। इसमें भारत और अमेरिका के बीच एक समान कई बातों का जिक्र किया गया है। शुरुआत में ये जिक्र है कि जब विवेकानंद ने दुनिया के सामने हिंदू धर्म की चर्चा की तो 1893 में उन्होंने शिकागो की धर्म संसद को चुना। वहीं मार्टिन लूथर किंग ने अफ्रीकी मूल के अमेरिकी लोगों के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया तो महात्मा गांधी के अहिंसा को अपना हथियार बनाया। वहीं अमेरिका ने कहा है कि भारत में अनाज की जबरदस्त पैदावार बढ़ाने के लिए हुई हरित क्रांति और सर्वश्रेष्ठ तकनीकी संस्थान IIT दोनों देशों के आपसी सहयोग का परिणाम है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र है। कहा गया है कि साल 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों को स्वाभाविक सहयोगी बताया था। यह भी कहा गया है कि दोनों देश जल थल और अंतरिक्ष में साझा अभ्यास करते हैं। नतीजा यह हुआ कि ऐसी ही कोशिश ने उन्हें पृथ्वी से मंगल तक पहुंचा दिया है। अमेरिका की ओर से लिखा गया है कि वो भारत की नई सरकार से मजबूत और गहरा रिश्ता कायम करना चाहता है। अमेरिका ने इन क्षेत्रों के अलावा मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में मदद का भरोसा भी दिया है। ओबामा ने भरोसा दिया है कि अमेरिका अपनी तकनीक से भारत को साफ और स्वच्छ बनाने में मदद देगा। संपादकीय में साथ चलने का वादा किया गया है और कहा गया है कि चलें साथ साथ।